मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेडजे न्यूज में। गाइज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मोदी सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। उसका काम ये है कि अगर आप लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है और उसके बाद मिल नहीं पाता है तो ये चीज उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। मतलब कि आपका फोन चोरी होने के बाद भी ये फोन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकता है। तो चलिए जानते हैं, कुछ नजर डालते हैं कि ये पूरा क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये पोर्टल क्या है, किस तरीके से काम करेगा और आपको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, सब चीजों के बारे में मैं आज की न्यूज में आपको बताऊंगी। और उसके साथ साथ मैं एक वेबसाइट के बारे में भी आपको बताऊंगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहां पर आप जाके जो भी चीज होती है उसका फॉलो आप वहां पर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए कि हमारे जरिए जो भी न्यूज आती है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए नोटिफिकेशन के जरिए। और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की न्यूज। गाइस आप लोगों को पता है कि मोदी सरकार बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही हैं और अभी उन्होंने ध्यान दिया है। एक्चुअली इसके ऊपर काम चल रहा था 2017 से और अभी ये कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद सब जगह पर ये लॉन्च हो चुका है। आपको पता ही होगा कि काफी बार आपके भी मोबाइल चोरी हुए होंगे और उसके बाद आपको वो मोबाइल मिलता नहीं है और पहले बोलते हैं IMEI जो नंबर रहता है फोन में, उस नंबर से फोन को ढूंढ लिया जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है। पर ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं था, जो चोर चोरी करता है इस नंबर को बदल देता है और उसके बाद वो यूज कर लेता है। और अभी मोदी सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही अहम कदम उठाया, एक पोर्टल तैयार किया है जो कि 2017 से इसके ऊपर काम चल रहा था। और उस पोर्टल के ये चीज फायदे हैं कि मोबाइल को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका कभी मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको उसका AIME नंबर, वो सब चीजें आपको वहां पर देनी है, वहां पर पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में देने के बाद आपको 144 में आपको फोन करना है, वो आपको वेरिफिकेशन कुछ उससे जानकारी मांगेंगे, आपको वो प्रॉपर जानकारी दे देनी है और फिर उसके बाद आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा। और जिसने भी चोरी की है वो बंदा अगर सिम भी डालेगा तो उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा। अभी आप लोग ये सोचेंगे कि वो अगर मोबाइल का नंबर भी चेंज कर दे तो क्या हो, तो अगर उससे भी ज्यादा नंबर से भी ज्यादा सिम डालने के बाद भी वो यूज करना चाहता है और अगर उसने कुछ भी ऐसी छेड़छाड़ की या उसको स्विच ऑफ किया या उसको वॉल्यूम बटन दबाया या कुछ ऐसी चीजें की जिससे वो मोबाइल दोबारा से न्यू हो जाए, तो उसकी लोकेशन उस जगह पर पहुंच जाएगी और पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाएंगे और आपका मोबाइल जल्द से जल्द वहां पर मिल जाएगा। और ये चीज स्टार्ट हो चुकी है। आई होप गाइज मोदी सरकार ने ये जो पोर्टल बनाया है जिसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी, काफी सारे लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं और उन लोगों को उनका मोबाइल जल्द से जल्द वापस मिल जाएगा। तो अगर आपको इस पोर्टल के बारे में जान के अच्छा लगा है और मोदी सरकार की ये कदम के बारे में जान के अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, कमेंट जरूर कीजिए पोर्टल करके और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।